ऑलराइट, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डब्ल्यू से रिलेटेड कुछ मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। आज हमें शो पे बियांका बेलेयर का रिटर्न देखने को मिलता है, क्राउन जोल का डेट एंड टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडिया में कितने बजे आएगा, एंड रैंडी ऑर्टन का बहुत जल्द कंपनी में रिटर्न होने वाला है, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्राउन जोल के लिए कुछ दो मैच ऑफिशियल कर दिए हैं। सो मसाला भर भर के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना भाई। फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। आज शो पे हमें बियांका बेलेयर का रिटर्न देखने को मिलता है। जैसे कि हमें बैकस्टेज से रूमर आ रही थी कि बियांका बेलेयर का रिटर्न होने वाला है क्राउन जोल में, हमें बैकस्टेज से रूमर आ रही थी और आर्टिकल से भी यहाँ पर रूमर्स ये आ रही थी कि यहाँ पर बियांका बेलेयर रिटर्न करेगी यहाँ पर क्राउन जोल में, बट क्राउन जोल में नहीं करवा के डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर उनका रिटर्न करवा दिया आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में, जब यहाँ पर हीरो स्काई और सॉलिड फ्लेयर मैच कर रही होती है, तो यहाँ पर बैली और हीरो स्काई यहाँ पर मार मतलब नंबर स्किन का फायदा उठा के उन्हें पीट रही होती है, तब यहाँ पर हमें बियांका बेलेयर रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए और फैंस भी काफ़ी सरप्राइज हो गए थे यहाँ पर बियांका बेलेयर को देख के कि यहाँ पर उतने लंबे टाइम के बाद, उतने लंबे ब्रेक के बाद यहाँ पे बियांका बेलेयर हमें देखने को मिली, जो कि काफ़ी बढ़िया डिसीजन था डब्ल्यूडब्ल्यूई का, एंड इस बारे में ज़्यादा कुछ बोलना चाहता नहीं हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि जुड़ा है क्राउन जोल के डेट एंड टाइम से। तो क्राउन जोल इंडिया के डेट टाइम के हिसाब से हमें सैटरडे के दिन 4 नवंबर के दिन देखने को मिलेगा रात के 12 बजे, सऊदी के टाइम के हिसाब से हम इसे रात के 12 बजे लाइव इवेंट हम एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर सोनी 101 पर, जो कि किसी को पता नहीं होता, मैं यहाँ पर मुझे बताना सही था तो मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि जुड़ा है मंडे नाइट रॉ की व्यवस्थित से। तो जो मंडे नाइट रॉ की व्यवस्थित आई है स्टिल वो बहुत कम है, इस वीक की जो मंडे नाइट रॉ की व्यवस्थित है वो है 1.48 मिलियन व्यूअर्स, मतलब ऑफकोर्स यार ये मतलब 1.5 मिलियन भी क्रॉस नहीं कर पाई है, ठीक ठाक मतलब ठीक ठाक ही एवरेज है यहाँ पर रॉ की व्यवस्थित, बट 1 मिलियन से ऊपर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है अब जो कि रिलेट करता है ब्रे वाइट से। तो जैसे कि हम लोगों को पता है डब्ल्यूई ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देने के लिए, मतलब फैंस भी यही चाहती थी कि ब्रे वाइट को अच्छा सा ट्रिब्यूट मिले, जो अंकल हाउडी की स्टोरी को फिर से मतलब जो डब्ल्यू बंद कर देती है अंकल हाउडी की स्टोरी को उसको फिर से रिन्यू करके चलाए, लेकिन यहाँ पर मतलब फैंस यही चाहते थे कि इससे अच्छा ट्रिब्यूट मिल नहीं सकता था गाइस ब्रे वाइट को, कि अंकल हाउडी की स्टोरी को फिर से रिपीट किया जाए यहाँ पर, ताकि मतलब डब्ल्यू यूनिवर्स ब्रे वाइट को याद रखे यहाँ पर। लेकिन डब्ल्यू प्लान लेकर चली रही थी, बट ऑफकोर्स मतलब ये प्लान डब्ल्यू कैंसिल कर चुकी है। आई होप हमें फ्यूचर में शायद ये प्लान देखने को फिर से मिलेगा, फिर से हमें ब्रे वाइट की मतलब जो स्टोरी लाइन है वो चलते हुए दिखाई देगी, ताकि हमें ऐसा महसूस ना हो कि ब्रे वाइट नहीं है कंपनी में, बट क्या ही बोल सकते हैं इस बारे में। मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि जुड़ा है रे मिस्टेरियो और लोगन पॉल के मैच से। तो यहाँ पर आज डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि रे मिस्टेरियो अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट लोगन पॉल एट क्राउन जोल, एंड सेकेंड मैच भी हमें देखने को मिल चुका है, जो कि मेक श्योर ऑफिशियल हो चुका है, रोमन रेंस वर्सेस एलए नाइट का यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, सॉरी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए यहाँ पर लोगन पॉल सॉरी रोमन रेंस एलए नाइट यहाँ पर क्राउन जोल में मेन इवेंट करते हुए नजर आएंगे, और ऑफकोर्स ये मैच मेन इवेंट में ही जाएगा, रोमन रेंस वर्सेस एलए नाइट, जो कि काफ़ी यूनिक सा मैच है, हमें बहुत सारे मैचेस देख चुके हैं रोमन रेंस के, बट कि थोड़ा अलग सा यूनिक सा मैच है यहाँ पर, एलए नाइट को डब्ल्यू अच्छा पुश दे रही है, और फैंस भी बहुत प्यार करते हैं उन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा चेयर मिलता है, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पर एलए नाइट का मैच देखते हुए, एलए नाइट का रोमन रेंस फिर स्टार्ट देखते हुए यहाँ पर, जैसे कि अभी नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन का एपिसोड में जैसे ये लोग फेसअप आए थे काफ़ी बढ़िया लगा था मैं देख के, एंड रोमन रेंस स्पेयर भी लगाते हैं, तो भाई मैच तो सेटअप होना ही था जब स्पेयर लगा दिया रोमन रेंस ने, तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस डिसीजन को लेकर चल रही है। पहले तो रूमर्स आ रहे थे कि जॉन सीना और रोमन रेंस का मैच होगा यहाँ पर क्राउन जोल में, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जॉन सीना को यहाँ पर नहीं लिया, एंड यहाँ पर लिया है रोमन रेंस और एलए नाइट का मैच पिकअप किया मैच कार्ड पे, जो कि काफ़ी बढ़िया डिसीजन रहा डब्ल्यूडब्ल्यूई का, एंड ये मेन इवेंट में होगा, इतना तो हमें पता है कि रोमन रेंस है भाई, तो मेन इवेंट जरूर करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल चैप्टर की तरफ, जो कि जुड़ा है रैंडी ऑर्टन से। तो रैंडी ऑर्टन अपडेट तो ये आ रही थी पीडब्ल्यूडी इनसाइडर की तरफ से कि रैंडी ऑर्टन रिटर्न करने वाले हैं, वो कब करने वाले हैं, वो होगा रैंडी ऑर्टन का रिटर्न का टाइम सर्वाइवर सीरीज, जो कि चिकागो में होने वाला है, एंड मेक श्योर यही है कि यहाँ पर कि मतलब मैं श्योर तो नहीं बोल सकता, बट इतना तो रूमर्स तो आ रही है बैकस्टेज से और बहुत सारे आर्टिकल में भी छप रहा है कि रैंडी ऑर्टन रिटर्न करने वाले हैं, बट वो मेरे को लगता नहीं कि सर्वाइवर सीरीज से बढ़िया प्लेस होगा रैंडी ऑर्टन का रिटर्न के लिए, तो हमें दो दो रिटर्न देखने को मिल सकता है, सीएम पंक भी और रैंडी ऑर्टन भी, जो काफ़ी कमाल दबाल हो जाएगा। रैंडी ऑर्टन तो हमारी डब्ल्यू कंपनी से है, सीएम पंक तो डब्ल्यू कंपनी में मतलब काम ही नहीं करते, वो पहले ही उन्होंने 10 साल हो गए थे उनको छोड़े हुए, तो यहाँ पर हमें
रैंडी ऑर्टन और सीएम पंक रिटर्न देखने को मिलेगा, जो कि दोनों रूमर्स में ही है कि सीएम पंक भी सब बोल रहे हैं डब्ल्यू वाले, और जो रूमर्स फैल रही है कि यहाँ पर चिकागो होम टाउन है, चिकागो होम टाउन है सीएम पंक का, तो वहाँ पर शायद सीएम पंक रिटर्न कर सकते हैं। एंड रैंडी ऑर्टन भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं कि उनका भी रिटर्न होने वाला सर्वाइवर सीरीज में, जो कि काफ़ी बढ़िया डिसीजन है डब्ल्यू का। अगर डब्ल्यू उन्हें लाती है, अगर सच में रैंडी ऑर्टन रिटर्न करने वाले हैं यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज में, तो काफ़ी बढ़िया होगा ये हम सब फैंस के लिए। अगर नहीं हुआ तो भाई अपने अरमान को मैं तेल मार के मच्छर लगा के आग लगा दो, फिर बात ही मत करना है रैंडी ऑर्टन का रिटर्न के बारे में। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो। मैं जानता हूँ मेरे वीडियो को बहुत लोग देखते हैं, बट मेरे चैनल को कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है, जो काफ़ी मुझे बुरा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।